सर 3 मई तक प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन बढ़ाया और सख्ती करने के लिए 7 दिनों को कहा है, तो किस प्रकार से आप प्रधानमंत्री इसके रंग में थाने? हम सबकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उस निर्देश का पालन करना हम सबका परम कर्तव्य है और सभी नागरिक हम सब जो हैं इस बात को सुनिश्चित करें कि जो बातें कही गई हैं लॉकडाउन में उसको हम पालन करें, अर्थात अपने घरों में रहें, बच्चों को भी घरों में रखें, अनावश्यक बाहर ना निकलें, जब बहुत भी आवश्यकता हो इमरजेंसी हो तभी बाहर निकलें और वो भी अपना काम करके तुरंत वापस आएं। और हम जितना डिसिप्लिन रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का जिस तरह से हम पालन करेंगे, उतने जल्दी ही हम कोरोना की चेन को तोड़ने में सफल होंगे। ये कार्य हर व्यक्ति का ये परम कर्तव्य है और ये करना हम सबको आवश्यक है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी इसमें गड़बड़ करता है तो ये चेन टूटने में दिक्कत आएगी। तो ये पालन करेंगे और इसको हम लोग पालन सुनिश्चित कराएंगे, और इसमें जो गड़बड़ करेगा फिर हमें मजबूर होना पड़ेगा कि हम ऐसे मौके पर कार्रवाई भी करें, और कुछ मौके पर हम लोग कार्रवाई करना उन्होंने शुरू भी किया है, कुछ चालानी उन्होंने शुरू करी है, हमारे अधिकारी जो भ्रमणशील आएंगे तो उसको सुनिश्चित करेंगे कि लॉकडाउन का जो पालन करें उनके लिए सम्मान, जो नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई का वो सुनिश्चित करेंगे। सर जो अन्य सीमाओं से आ रही गाड़ियों की क्या चेकिंग कराई जाती है? मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे जनपद के जो बॉर्डर्स मध्य प्रदेश से लगते हैं वहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने सीलिंग कर रखी है और किसी भी दशा में कोई भी व्यक्ति या अनावश्यक का मूवमेंट नहीं हम लोगों ने दे रहे हैं, एक्सेप्ट कोई ऐसी इमरजेंसी वाली बात होगी उसको हम एसेस करेंगे सीलिंग लेवल पे, अदरवाइज 100% लॉकडाउन की स्थिति में बॉर्डर सील है और हम किसी माने जाने नहीं। ओके थैंक्स।